अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं MRR इस मोबाइल मॉल के पास खड़ा हुआ हूँ। MRR मोबाइल मॉल की जो लोकेशन है वो बहुत प्यारी लोकेशन है। ये COM3 आप देख सकते हैं, ये आप देखें माशाल्लाह से, ये 60 फीट रोड के ऊपर जो बाईपास रोड में जिसको कहता हूँ, JDC शेल्टर हाउस जो है बिल्कुल उसके जस्ट अपोजिट जो है ये बना हुआ है मोबाइल मॉल। ये आप देख सकते हैं मोबाइल मॉल की लोकेशन कितनी ज़बरदस्त लोकेशन है, और तकरीबन ये तैयार भी है व्यूवर्स, और आने वाले वक्त के अंदर इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उसकी वजह ये है कि बिल्कुल सेंटर के अंदर ये बन रहा है, और नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी की मेन गुंजान आबाद जगह के ऊपर ये बन रहा है। ये सामने सारे आप देख सकते हैं, ये पूरा एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है, और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के बिल्कुल साथ ही आपका कमर्शियल चल रहा है। अगर हमने वीडियो आपको बना के दिखाई तो आपको दिखाया था कि हमने MRR स्क्वायर जो है वो 3 को कवर किया था, और MRR स्क्वायर 2 को कवर किया था पीछे, और उसको कवर कर कर हम लोग यहाँ पर आएँ, और उसको उसके बाद जो हमारी लॉन्चिंग है वो ये है कि हम मोबाइल मॉल आपको दिखाएं, ताकि इसके अंदर जो यूनिट अभी अवेलेबल हैं, जो यहाँ पर इस वक्त प्राइस हैं, और जो इस वक्त MRR स्क्वायर जो है वो दे रहा है, जो जो चीज़ें इस वक्त अवेलेबल हैं। ये तो प्लाज़ा भी तकरीबन तैयार है व्यूवर्स, और इसका एक अंदर चल के विजिट भी ले लेते हैं। पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान भाई जो फ्लोर मैनेजर हैं इस वक्त MRR स्क्वायर के, इनसे पूछते हैं कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। वालेकुम अस्सलाम अफान भाई। पहले तो आपको ये बताऊं, ये तकरीबन 1 साल पहले स्टार्ट हुआ, लॉन्च हुआ। अब ये 1 साल के अंदर ग्राउंड प्लस मतलब बेसमेंट प्लस 3, सही है, ग्राउंड भी है बेसमेंट भी है और 3 फ्लोर तक है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। ठीक है, 1 साल में आपको इतना तेज़ी से काम मेरे ख्याल में कहीं कोई और बिल्डर नहीं करके देगा, जो हमारे इरफान भाई अतीक भाई करके दे रहे हैं हमारा स्क्वायर केस से। तो सर प्रोजेक्ट तैयार खड़ा हुआ है, सही है, ये हम 6 महीने में 8 महीने में इसको भी डिलीवर कर देंगे। यहाँ पे आप मोबाइल मॉल की शॉप्स खोलें, मोबाइल के हिसाब से, मोबाइल एक्सेसरीज के हिसाब से आप यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करें। हम चाह रहे हैं कि नॉर्थ टाउन फेज़ 1 जल्द से जल्द आबाद हो, आपके सामने आबादी हो भी रही है और कमर्शियल की नीड है, कमर्शियल के हिसाब से यहाँ पर दुकानें आनी चाहिए, होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अभी दुकान इंस्टॉलमेंट पे भी दे रहे हैं, 50% पेमेंट पर आप अपनी दुकान अपने नाम करें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, सही है अफान भाई। अच्छा, इसमें अभी कितने यूनिट आपके सोल्ड हो चुके हैं और कितने यूनिट अफान भाई इस वक्त मेरे पास सिर्फ इसमें 20% यूनिट अवेलेबल है, सही है, और बेसमेंट फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर में सब सोल्ड हो चुका है। आप ये ग्राउंड प्लस 4 है, टोटल बेसमेंट के साथ ग्राउंड प्लस 3 है, 1 2 3। अच्छा, 3 ग्राउंड प्लस 3 है बेसमेंट के साथ। बेसमेंट के साथ तो बेसमेंट पे भी सारी शॉप्स हैं, बेसमेंट पे भी शॉप्स हैं। ये पूरा मोबाइल मॉल है, पूरा मोबाइल मॉल है, 10x10 और 10x8 की दुकान है इसके अंदर। ठीक है, क्या स्क्वायर फीट के हिसाब से, अगर कोई लेना चाहे 180 स्क्वायर फीट के हिसाब से सर अलग अलग रेट है। 20,000 का रेट मेरा बेसमेंट पर है, 35,000 का रेट मेरा ग्राउंड फ्लोर पर है। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा इस वक्त जो रेट हो चुका है वो हो चुका है 28,000 रुपये का। ठीक है, और थर्ड फ्लोर पे जो रेट है, थर्ड फ्लोर पर अगर आप जाते हैं तो मैं आपको 20,000 के रेट पर दे दूंगा। 20,000 का जो है वो थर्ड फ्लोर का रेट है, पर भी रेट है और बेसमेंट का भी रेट, बेसमेंट का भी 20,000 है, और फर्स्ट फ्लोर का आप कह रहे हैं 35,000 रुपए, ग्राउंड का मैं बता रहा हूँ 35,000 रुपए, ग्राउंड का 35,000 रुपए, और फर्स्ट फ्लोर का इस वक्त 28,000 रुपए का रेट, और सेकंड फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का इस वक्त जो है वो 24,000 रुपए का रेट, 24,000 जी। ये आपने बाइफिकेशन करी है तमाम फ्लोर, बिल्कुल बिल्कुल, और उनकी वैल्यूज के हिसाब से, बिल्कुल सर, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अभी आपके पास सारे फ्लोरों के ऊपर इस वक्त यूनिट अवेलेबल है? सर इस वक्त सारे फ्लोरों पर तो नहीं है मेरे पास यूनिट अवेलेबल, आज सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे आपको मिल जाएंगे कुछ यूनिट, मेरे पास फ्लोर पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ यूनिट मेरे पास फर्स्ट फ्लोर पर भी है, अब वो जिस तरह लोग आते हैं डिमांड करते हैं तो इंशाल्लाह हम करके देंगे। तो आप मेरे व्यूअर्स को दिखाएंगे शॉप के साइज का, जो आपने बिल्कुल, आप कैटेगरी दो बताइए आपने, एक जी 80 और 120 स्क्वायर फीट, और एक आपने 120 सॉरी 80 और 100 स्क्वायर फीट की दुकान है, लिफ्ट के साथ ये पूरा प्रोजेक्ट है। 100 स्क्वायर फीट होती है वो 10x10 कहलाती है, 10x10 कहलाती है, और जो 80 स्क्वायर फीट होती है 10x8 वो 10x8 कहलाती है, यानी 8 का फ्रंट 10 का फ्रंट होगा, अंदर 8 जो है वो डेप होगी, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसा ही है, और जो 10x10 वो 10 का फ्रंट है 10 का डेप, 10 का फ्रंट आ गया और वो 10 का बस वो फ्रंट की वजह से, बाकी वो बिल्कुल फ्रंट सबका सिमिलर है और बाकी डेप के अंदर फर्क आ रहा है, बिल्कुल सर, इसी वजह से। चले अंदर चल के दिखाएं मेरे व्यूअर्स को, आइए ये व्यूअर्स हम देखते हैं अंदर चल के दुकानों के, जो इन्होंने हमें 2 कैटेगरी के साइज़ बताएं। तो ये जो कॉर्नर वाली शॉप है, ये जो कॉर्नर आ रही है, ये क्या बड़ी है या ये भी 10x10 है? ठीक है, ये 4 फीट का पैसेज हो गया, ठीक है, गली है, ठीक हो गया, ज़बरदस्त साइज़ है, ज़बरदस्त भाई। यहाँ पर अगर ज़रूरी है कोई अपना क्या कहते हैं मोबाइल मॉल ही बनाए, यहाँ पर अगर वो प्रॉपर्टी का ऑफिस, अगर कोई बिल्डर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर अपना ऑफिस बनाना चाहे, प्राइवेट चैम्बर बनाना चाहे, उसके लिए आपको
चले अंदर चलते हैं व्यूवर्स, देखते हैं ये रैम देख सकते हैं आप माशाल्लाह से, ये ज़बरदस्त इन्होंने कैटेगरी बनाई है इस वक्त। और ये आ गया हमारा इस वक्त 10x10 की 10x8, ये है व्यूवर्स, ये 10x8 का आप साइज़ देख सकते हैं माशाल्लाह से, बेहतरीन साइज़ है व्यूवर्स, बहुत बेहतरीन साइज़ है। मोबाइल मॉल बहुत अच्छा मॉल इन्होंने बनाया है, और जिन्होंने उस वक्त यहाँ पे बुकिंग करवाई यकीन माने वो आने वाले वक्त के अंदर बहुत फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल जगह है, आराम से काउंटर बाहर आ सकते हैं, अंदर आ सकते हैं, और चलने के लिए पैसेज है। और ये पीछे मैं दिखाऊँ आपको तो अंधेरा है, वरना मैं आपको दिखाता कि ये रोशनी है, दिन के टाइम पर हम वीडियो बना रहे हैं। और ये सीढ़ियों का रास्ता है, हाँ ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एलिवेटर का भी सिस्टम है, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे जो है वो लिफ्ट लगेगी, लिफ्ट चलेगी, और यहाँ पर जो है ये स्टेयर्स आ गई इसकी, बहुत ही अंधेरा हो रहा है व्यूवर्स, तो इसको इंशाल्लाह ताला किसी और वक्त जब ये फिनिशिंग की तरफ जाएगा तब हम देखेंगे। तो ये हम आ गए दूसरे वाले पैसेज की तरफ, और यहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से इन्होंने बनाया। तो अभी यहाँ पर अवेलेबिलिटी है फैजान भाई? सर ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पर अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर अवेलेबल मिल जाएगा कुछ ना कुछ, यानी अच्छी लोकेशन जो है वो मिल जाएगी बिल्कुल। तो व्यूवर्स इनकी बात आपने सुनी कि ग्राउंड तक कम्प्लीटली पैक हो चुका है। अब जाहिर बात है ग्राउंड के ऊपर पहले शिकरे नजर रख के बैठे हुए होते हैं, और वो पहले हमला कर लेते हैं। टू साइड का ये शॉप है, और 10x10 का ये शॉप है सेंटर का। तो कहने का मकसद है व्यूवर्स के ये बहुत प्यारा मॉल इन्होंने बनाया है, और बिल्कुल एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर, सोसाइटी के अंदर, मिड में बनाया, हर बंदे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बनाया, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर अब यहाँ की आवाम मुझे ऐसा लगता है कि भैरिया की तरह जो है वो बाहर का रुख नहीं करेगी, अब हमें हर चीज़ यहीं पर ही मिलेगी। अगर हम कंपेरेटिवली अगर दूसरी सोसाइटियों में जाएँ तो वहाँ पर मेडिकल्स की और बहुत सारी जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जो है वो जो क्या कहते हैं क्वालिटीज़ और क्वांटिटीज़ हैं उनका बड़ा फुकदान नज़र आता है, लेकिन GFS बिल्डर एंड डेवलपर इस वक्त वो चीज़ें लेकर आ रहा है जो एक आम आदमी के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं सच है इसके जुड़िया बाज़ार, सदर बाज़ार, मोबाइल मॉल, बचत बाज़ार, सराफा मार्केट, ली मार्केट, ये सारी चीज़ें हमारे GFS ने जो है इस वक्त वो एक ही सोसाइटी के अंदर मर्ज कर दी हैं, और पूरा यूँ समझ लें कि एक तरह से खारा दर का इलाका, और पूरा एक तरह से समझ लें कि बिल्कुल बॉल्टन मार्केट आपका जो है अपना कोरंगी औरंगी जिस तरह के इलाके हैं बिल्कुल उसी तरीके से एक अलग से पूरा एक एरिया ही डेवलप कर दिया बिल्डर ने, जो बिल्कुल बेकार ज़मीन थी जहाँ पर मुर्गी खाने थे, और यहाँ पर जो है बदबू उठती थी और L1 की और दूसरी फिजाओं को वो ख़राब करती थी, लेकिन बिल्डर ये इरफान भाई साहब को ये क्रेडिट जाता है, इनको सल्यूट है कि उन्होंने इस कार्य खैर के अंदर हिस्सा डालकर आवाम को अपनी छत और अपनी ज़मीन का मालिक बनाया। जो लोग किराए पर रहते थे आज वो भी अपने घरों पर किस्तों के अंदर उन्होंने अपने घर बनाए और अपनी दुकान बनाई, और अपनी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए अपने फ्यूचर को और अपने बच्चों की लाइफ को उन्होंने सेव किया। तो कहने का मकसद है व्यूवर्स, आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। मैं मोहम्मद अफान शेख आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियोस वगैरह व्लॉग वगैरह बना के दिखाता रहता हूँ, और आप लोगों को नॉट टाउन की अपडेट्स वगैरह से आगा करता रहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ मैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।